जय हिंद मित्रों इस वीडियो में हम शतायु होने की ओर अग्रसर भारत की बड़ी चुनौतियां लेख का अध्ययन करेंगे इसको लिखा है नारायण रामचंद्रन जी ने आजाद भारत अपनी सौ साल की यात्रा के चौथे चरण में प्रवेश कर चुका है कयास यही लगाए जा रहे हैं कि भारत इस यात्रा का समापन एक उच्च मध्यम आय वाले देश के रूप में करेगा इसके लिए जिम्मेदार ज़रूरी कार्य योजनाओं का जिक्र मैं यहाँ करना चाहूँगा सबसे पहले प्रारंभिक शिक्षा शिक्षा का अधिकार कानून की वजह से स्कूलों में नामांकन दर बढ़ी है भारत का स्कूली तंत्र दुनिया के विशाल शिक्षा तंत्रों में एक है यहाँ करीब पंद्रह लाख स्कूल पंचानबे लाख शिक्षक और छब्बीस दशमलव पाँच करोड़ छात्र हैं यहाँ करीब पंद्रह लाख स्कूल पंचानबे लाख शिक्षक और साढ़े छब्बीस करोड़ छात्र हैं अच्छी बात यह है कि अब प्राथमिक व उच्च प्राथमिक स्कूलों में करीब शत प्रतिशत नामांकन होने लगा है फिर भी जैसा कि असर की हालिया रिपोर्ट कहती है बच्चों में किताब पढ़ने और अंक गणित की बुनियादी क्षमता चिंताजनक रूप से गिरी है जबकि बीते कुछ वर्षों में यह बढ़ रही थी कई राज्यों में तो यह गिरावट सरकारी व निजी दोनों तरह के स्कूलों में और लड़के व लड़कियों दोनों में दिखी है दूसरा क्षेत्र विज्ञान व नवाचार का है सोवियत युग के मॉडल पर टीका मौजूदा व्यावहारिक विज्ञान और नवाचार भविष्य के ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था से मेल नहीं खाते विज्ञान क्षेत्र में नौकरशाहीकरण के कारण देश में प्रतिभा की कमी हो गई है भारत में नवाचार को बढ़ाने के लिए अन्य देशों में विकसित किए गए विज्ञान अपनाने चाहिए उच्च मध्यम आय वाले देशों में शुमार होने के लिए भारत को कम से कम कुछ क्षेत्रों में ज्ञान निर्माता और पेटेंट जन्मदाता देश बनना होगा अगला क्षेत्र हरित अर्थव्यवस्था का है एक राष्ट्रवादी अर्थशास्त्री ने कहा था अब प्रदूषण करने की बारी हमारी है मगर भारत को बचाने के लिए हमें हरित यानी स्वच्छ प्रौद्योगिकी कहीं अधिक तेज़ी से विकसित करनी पड़ेगी और अपनानी भी होगी सौर पैनल इलेक्ट्रिक वाहनों की बैटरी और ऐसे ही कई अन्य उत्पादों को देश में ही बनाना चाहिए हमें इनका स्रोत बनना होगा और आपूर्तिकर्ता भी भारत में कुल बिजली उत्पादन में अक्षय ऊर्जा बड़ी पनबिजली और परमाणु ऊर्जा को छोड़कर की हिस्सेदारी आज भी केवल बारह दशमलव तीन प्रतिशत है करीब अस्सी फीसदी उत्पादन कोयले से ही होता है इस अनुपात को दो तक पलटने की ज़रूरत है बिजली आपूर्ति पर भी हमें ध्यान देना होगा भारत का यह क्षेत्र काफ़ी अव्यवस्थित है बेशक आज घर घर तक बिजली पहुंच गई है लेकिन इसकी गुणवत्ता कमज़ोर है इसके अलावा बाजार आधारित मूल्य निर्धारण का तंत्र इस कदर जटिल है कि करीब तेईस फीसदी बिजली किसानों को मुफ्त में मुहैया कराई जाती है नतीजतन बिजली वितरण करने वाली कई सरकारी कंपनियां दिवालिया हो चुकी हैं हमें तुरंत पूर्ण भुगतान वाले मॉडल को अपनाना चाहिए और जिस तरह से रसोई गैस में ज़रूरतमंद लाभार्थियों को सब्सिडी दी जाती है वैसे ही खास वर्ग को बिजली बिल भुगतान में सब्सिडी देने की व्यवस्था करनी चाहिए रेलवे पर भी हमें इसी तरह ध्यान देना होगा क्योंकि रेलवे सुधार की प्रक्रिया शुरू होती है और थम जाती है ब्रॉडगेज यानी बड़ी रेल लाइन तैयार करने और विद्युतीकरण का काम इसका उदाहरण है कई मार्गों को सेमी फास्ट ट्रेन वंदे भारत के अनुकूल ढालने का काम स्वागत योग्य तो है पर यात्री किराए के अनुरूप हमें परिचालन क्षमता साफ सफाई और गुणवत्ता भी बढ़ानी होगी रही बात रोजगार की तो औपचारिक क्षेत्र में जरूरतमंदों को अधिकाधिक काम मिले इसकी व्यवस्था करनी होगी सामाजिक और व्यावसायिक सुरक्षा दिए बिना भारत उच्च मध्यम आय वाला देश नहीं बन सकता खासकर श्रम बल में महिलाओं की हिस्सेदारी मौजूदा पच्चीस फीसदी से बढ़ाकर पचास फीसदी करने से तरक्की सामाजिक प्रगति और जीवन स्तर में स्वतः उन्नति आएगी इसी तरह प्रशासनिक और न्यायिक सुधार की भी दरकार है ताकि परिपक्व होते और आर्थिक रूप से विकसित होते भारत की चुनौतियों से निपटा जा सके। दूसरे प्रशासनिक सुधार आयोग के रिपोर्ट में इस बाबत कई बेहतरीन सुझाव दिए गए हैं निसंदेह कई काम करने बाकी हैं इसलिए इंडिया एट द रेट हंड्रेड के लिए हम पीछे के बजाय आगे की तरफ नज़र रख कर चलें तो इस वीडियो में इतना ही पूरा देखने के लिए धन्यवाद नमस्कार जय हिंद